बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूज? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ फिश फ्राई, तो इसके पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने फिश को ना लेमन जो है ना वो लगा के रख देती हूँ। इसको लगा के रख दिया है, फिर अब मैं मसाले बना लूँगी। ये मैंने जीरा और सूखा धनिया और अजवाइन है, तो मैं इन चीज़ों को पीस लेती हूँ। ये मैंने पीस लिए हैं सब चीज़ों को, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अब मैंने लहसुन तो अदरक जो है ना मैंने दोनों को पीस लिया। ये नमक है, ये पिसा हुआ मसाला है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च दरदरी सी लाल मिर्च है, तो ये भी लाल मिर्च, दोनों लाल मिर्च है, ये कलर वाली है। ये मैंने मसाला बना लिया, अब मैं इसको मसाला लगा दूंगी। इसको कम से कम मैंने 2 घंटे रखना है। अब सर्दियाँ हैं तो मैं बाहर भी रख सकती हूँ, तो मैंने इसको 2 घंटे रखना है, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा जी, हमने फिश को 3 घंटे मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैंने इस पे मैदे बेसन के साथ मैं बनाती हूँ ना बेसन, तो वो आपको मैं दे, ये मैंने ले लिया बेसन। ये लाल मिर्ची हैं, ये नमक है, हल्दी, सूखा धनिया और खुशक सारे मिक्स मसाले जो हैं वो मैंने पीस कर रखे हुए हैं, वो मैं इसमें डालूंगी। अब
अब मैं इनको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। फ्राई करने का तरीका तो हर एक को पता है, अपनी अपनी मर्जी होती है, जैसे किसी का दिल चाहे ऐसे कोई फ्राई कर सकता है, बना सकता है। ठीक नहीं ज्यादा करना, जो बेसन है ना इसको ठीक नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता। घी गरम करने के लिए रख दिया है। एक बार अच्छी तरह से घी गरम हो जाए, ये देखें ऐसे बन गया है। पहले मैं बेसन में डालूंगी, फिर इसको मैं फ्राई करूंगी। मेरे चैनल जो है नया नया है, मुझे तकरीबन एक महीना हो गया है बनाया। आप लोग मेरे चैनल को देखा करें और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए करें, तो आप लोगों की वजह से मेरा चैनल चलेगा, आप लोगों की मदद से मेरा चैनल चलेगा। जी मैंने फ्राई कर ली है, कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा है, कितना मज़ेदार है।
रही है, ये आप लोगों को पसंद आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। आप लोगों ने घर ट्राई करनी है और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।